ये देखिए गाइस, हमारा बेसन का कितना जूसी और कितना डिलीशियस हमारा बेसन का ढोकला। तो चलिए देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाया है। बिल्कुल भी बहुत 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 अच्छी तरीके से बनाया है। इसमें चीनी हमने नहीं ऐड करी है। देखिए हमने क्या क्या ऐड करा है, तो देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है गाइस। आज देखिए, पिछली वीडियो में हमने बताया था सूजी का ढोकला, आज हम बताएंगे बेसन का ढोकला। तो ये हमारा बेसन एक कटोरी और ये हाफ कटोरी दही। तो इसमें हम ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करेंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत यम्मी। ये देखिए गाइस, हमने ग्राइंडर ले लिया है जिसमें हम इसको फेट कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि इसमें जो गांठे हैं दही की, ये हमारा होममेड दही है और हाफ कटोरी दही है। इसको हम अच्छे से ब्लाइंड कर लेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी फुट नहीं, दही की जो फुटकियां होती हैं वो फूट जाए। तो चलिए करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिट चुका है। तो अब इस ग्राइंडर में भी बहुत ज्यादा दही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी हम चला लेंगे जिससे कि सारा जो दही है इसमें निकल आए। ये देखिए, इसको भी कर लिया, तो इसमें भी दही जितना था वो आ गया। तो चलिए अपना इस्तेमाल करते हैं। ये एक ले लिया हैंड मिक्सर, उस पर हमने ऐसे अपना बेसन डाला है एक कटोरी, ठीक है। और इसमें पहले हम ये दही ऐड करेंगे जो कि हमने फेट के रखा है, तो हल्का हल्का डालते हुए फेटेंगे जिससे कि गांठे ना पड़े, वरना गांठे अगर बेसन में गांठ पड़ जाती है ना तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे करके हम, ये देखिए अभी पानी की जरूरत है तो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हाफ कटोरी पानी है जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, जिससे कि हमें जितना जरूरत है बस उतना ही पानी हमको यूज करना है। हैंड ब्लेंडर से करेंगे ना तो ये ज्यादा अच्छे से फिट जाएगा। ये देखिए अभी ठीक है, तो हमको पानी की और जरूरत है, तो ये जो पानी बचा था तो वो भी हम ऐड कर देंगे। ये देखिए सारा का सारा ऐड कर दिया है। अब गाइस खुद देख लीजिए, एक कटोरी बेसन था उसमें हमने हाफ कटोरी दही और हाफ कटोरी पानी ऐड किया है, तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इतना अच्छे से फिट गया है। तो इसको लगभग लगभग हम 10 से 15 मिनट और ऐसे ही फेटेंगे। जितना ज्यादा फेटेंगे ना उतना हमें कम समय तक इसको रखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा फेटना नहीं चाहते तो बस ऐसे मिक्स करिए और इसको आप कम से कम एक से आधे घंटे के लिए रख दीजिए। तो हमारे पास टाइम नहीं होता इतना रखने का कि हम फेट के इतना रख दें, तो कुछ नहीं करना है, बस 10 मिनट इसको ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे, अच्छे से फेटेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए गाइस हो गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे नमक, जो कि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो हमने डाल दिया है हाफ टेबल स्पून नमक। अब इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए इसमें हमने हल्दी नहीं डाली है, आप चाहें थोड़ा सा हल्दी डाल दें लेकिन हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जब इनो सॉल्ट डालेंगे या बेकिंग सोडा या डालेंगे तो उसमें हल्दी डालने से कुछ रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ढोकला है वो रेड हो जाता है। तो इसकी वजह से हम हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो आप डालना चाहें तो आप डाल दें थोड़ी सी, लेकिन हम नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए अब ये हमारा फिट चुका है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। ये देखिए गाइस, अब अपना बेक करने के लिए हम ले लेते हैं एक कढ़ाई या पतीला, जो भी बर्तन हो उसमें हम डालेंगे लगभग लगभग 1.5 गिलास पानी। ये देखिए ये लगभग 1.5 गिलास पानी हमने ऐड किया हुआ है। और आपके पास इस तरह का जाली हो स्टैंड, या फिर इस तरह का स्टैंड हो तो आप आराम से रखिए और देख लीजिए किससे होगा उसी से बना लीजिए। और इस तरह से एक केक टिन ले लीजिए, ये हमने ले लिया है केक टिन। पहले तो हम अपना इसको रखते हैं अपना गैस की फ्लेम पर, जिससे कि पानी में बॉयल आए। ये देखिए गैस, थोड़ा सा हम घी लेंगे जो कि हम अपने केक टिन में डालेंगे और इसको पूरे में फैला देंगे, ठीक है। तो इसको हम फैलाते हैं ऐसे करके, जिससे कि ये अच्छे से, जब हम अपना डीमोल्ड करें ना ढोकले को, तो ये अच्छे से हमारा हो जाए। तो ये देखिए फैल गया है। देखिए गाइस, देखते रहिएगा हमारा पूरा वीडियो, देखिएगा आज हम इसमें क्या ऐड करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल ना चीनी हमने ऐड की हुई है इसमें, और ना ही हमने इसमें नींबू ऐड किया हुआ है। तो देखिए कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए गाइस, 15 मिनट हो चुका है और ये बहुत अच्छा सा बैटर हो गया, एकदम गिरने वाला, इतना पतला चाहिए हमको, आपको हम स्पून से भी दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा अभी दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह का बैटर हमें चाहिए जो गिराने पे अच्छे से गिरे। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या करना है। ये देखिए गाइस, ये एक साइड से पूरा है इनो, या फिर ये देखिए आप इससे मिला लीजिए, टेबल स्पून है इनो की,
तो इसको हम मिलाएंगे और इसमें देखिए झाग बनना शुरू हो गया और एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे और पूरा अच्छे से मिला देंगे। और उसके बाद में हम अपना कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे करके तुरंत ही हमको केक टिन में डाल देना है बैटर को, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गाइस, इसको हम ऐसे टैप करेंगे बाकायदा साफ करके। इसको टैप करने के बाद में अच्छे से अब हम इसको सीधे रख देंगे, बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे। ये देखिए गाइस अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसमें अब हम रखेंगे अपने केक टिन को और ढक देंगे और इसको 15 मिनट बाद ओपन करके देखेंगे। पूरा समय 15 मिनट लगेगा, ज्यादा या कम नहीं। देखिए और दूसरी बात है, फ्लेम पर भी आपके डिपेंड करता है थोड़ा सा कि कैसा लगता है, कि ज्यादा समय लगता है या कम। तो बस अब देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आने लगेगा, फ्लेम को हम धीमा कर देंगे। देखिए गाइस बहुत धीमा भी नहीं और बहुत तेज भी नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और अगर एयर निकलने लगे इससे ज्यादा थोड़ा सा, तो आप धीमा कर दीजिए। चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। चलिए गाइस अब खोल के देख लेते हैं इसको कि कैसा हुआ है हमारा ढोकला। तो ये देखिए, बट अब भी इसमें हम चाकू इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी नाइफ साफ निकलती है या नहीं। तो ये देखिए कुछ अभी लग रहा है तो भी कच्चा है, क्योंकि थोड़ा सा ये टूथपिक भी डाल के देख लेते हैं, बीच में इंसर्ट करके देखिएगा। क्योंकि अगर देखिए, देखिए थोड़ा सा है बीच में, अभी इसको हमें लगभग 5 मिनट और रखना होगा। देखिए 10 मिनट हुआ हमारे ढोकले को पकते हुए, तो अभी हमारे इस ढोकले को पकते हुए 5 मिनट पकाना और है। क्योंकि देखिए ये नाइफ और टूथपिक में ये लग के आ रहा है, तो उसका मतलब हमारा बैटर अभी गीला है। ये देखिए गाइस दोबारा देख लेते हैं ओपन करके, 5 मिनट हो चुका है। तो अपनी टूथपिक डालेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि ये कैसा निकल रहा है। ये देखिए इस टाइम टूथपिक बिल्कुल साफ निकल रही है। अब हम आपको नाइफ भी इंसर्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए नाइफ भी बिल्कुल साफ निकल रही है, ये तो पका हुआ लगा हुआ है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे और ढक के इसी में 5 मिनट और रखा रहने देंगे। देखिए हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको 5 मिनट इसलिए रखा रहने देंगे कि अगर जैसे कभी कदार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा रह जाता है कसर, कच्चे का डर रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं सच में हमने कच्चे पे ही उतार लिया हो या कुछ भी, तो इसको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद में हम इसको मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो चुका है, तो इसको अलग हटाएंगे और दूसरे स्ट्रेनर पर इसको निकाल के रखेंगे बाहर। ये देखिए गाइस इसको हमें निकाल के रख दिया है काउंटर पर, तो इसको अब बिल्कुल इसी तरह से छोड़ देंगे 5 मिनट। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको डीमोल करेंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। देखिए गाइस इसने अपनी साइड छोड़ दी है, तो हल्का सा हम ऐसे और स्क्रिप कर देंगे जिससे कि ये जल्दी से डीमोल हो जाए। ठीक है इस तरह से, और अब ऐसे रखेंगे प्लेट और इसको टर्न कर देंगे और धीरे धीरे से ऐसे टैप करेंगे। ये देखिए गाइस इसकी जाली कितनी अच्छे से बन कर आई है, और अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से प्लेट पर और इसमें लगाएंगे कट। ये देखिए गाइस कट करने से ही कैसे कितना अच्छा लग रहा है, और हमने इसको बाजार स्टाइल में कट किया है जैसे बाजार में होता है, और आप चाहें तो उसी हिसाब से कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से सारे कट करते हैं फिर मिलते हैं। चलिए ये तो हमने कट करके दिखा दिया है आपको, अगर ये चौकोर होता तो और भी अच्छा होता। ये देखिए इसकी पीसेस देखिए और इसकी जाली देखिए। तो चलिए अब इसके लिए बनाते हैं एक सिरप। तो कैसे बनाते हैं देखिए गाइस, 2 स्पून हमने ऑयल डाल लिया है और इसमें अब हम ऐड करेंगे अपनी सरसों दाना। ये देखिए और इसको खूब अच्छे से चिटका लेंगे, देखिए चटकने की आवाज आ रही होगी। और अब ये एक तेज पत्ता भी डाल देंगे इसी में, आपके पास ये देखिए ग्रीन चिली जो कि हमने 2 काट ली है, ये भुन चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना 1 ग्लास पानी। देखिए 1 ग्लास पानी यूज कर लिया है। अब ये 2 स्पून हमने चीनी ली है जो कि इसमें ऐड करेंगे, और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि देखिए नमक हमने अपने ढोकले में भी डाला है इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। और इसमें उबाल आने देंगे, ठीक है, चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से और इसमें उबाल भी आ जाए।
खट्टा मीठा जो फ्लेवर आएगा ना इसका, बहुत टेस्टी होगा इसमें। ये देखिए, दो पिंच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको हम पका लेंगे चीनी पिघलने तक की। ये देखिए गाइस, हमारे नींबू खट्टा कम पसंद करते हैं तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें 2 से 3 ड्रॉप नींबू की ऐड करी है। और देखिए गाइस, हमने दही भी ऐड किया हुआ था ढोकले में अपना, तो वो भी कुछ नहीं, बहुत तो बहुत, थोड़ा बहुत तो खट्टा होता ही है। तो ये देखिए हमारा सीरा तैयार है बनकर, तो चलिए सर्व करते हैं। फ्लेम को कर दिया है ऑफ, तो चलिए अब आगे बनाते हैं। देखिए गाइस, आपको जब सर्व करना है तभी इस पर ऐसे करके हम ये सीरा अपना ऐड करेंगे। और आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपकी इच्छा नहीं है चीनी ऐड करने की तो आप चीनी मत डालिए। और ये इतना टेस्टी और जूसी बन के रेडी होगा कि आप खाते ही एकदम बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसन का बना हुआ है तो इसमें इतना सीरा लग जाएगा। देखिए गाइस, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और इतना मॉइस्ट है, इतना जूसी है कि आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, सर्व करके भी दिखाते हैं। ये देखिए, इतना जूसी लग रहा है और इतने बढ़िया से एयर पॉकेट्स आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए, हमारी आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेसन का ढोकला, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपने सूजी का ढोकला नहीं देखा है तो आपको इन डिस्क्रिप्शन में उसका देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।